तो भाई इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं तुम सबको भाई धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग की वजह से आज हमारा चैनल 50 सब्सक्राइबर्स पहुँच चुका है। तो भाई हर एक बंदे को जो उस साइड देख रहा है इस वीडियो को, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, अगर तुमको भाई थोड़ा भी इंटरेस्ट है फुटबॉल में, अगर तुमको पर्सनली बात करनी या फिर तुमको आगे जाके वीडियोज़ में फीचर होना है या फिर हमारे साथ अगर चैट करना है चैनल पर, तो भाई इंस्टाग्राम का हैंडल तुमको नीचे मिल जाएगा और डिस्कॉर्ड का भी हैंडल नीचे मिल जाएगा। दोनों में आकर ज्वाइन कर लो एंड चलो साथ में ग्रो करते हैं, साथ में अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं फुटबॉल की। तो अब भाई सीधा टॉपिक पे आते हैं। रियल मैड्रिड और इंटर मिलान के मैच के पहले जिनेदिन जिडान ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी, जो सेम चीज़ उसने वेस्का मैच के पहले बोली थी, सेम चीज़ यहाँ भी बोली कि भाई ये मैच हमारे लिए एक फाइनल जैसा है। ठीक है, क्यों? बिकॉज रियल मैड्रिड पहले दो गेम में सिर्फ एक पॉइंट ला पाई है। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इस मैच का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है रियल मैड्रिड के लिए, एंड इस मैच में वापस से बता रहा हूँ। बट हुआ क्या एक्चुअली इस गेम में भाई, कि तुमको पता ही होगा कि सब्स्टिट्यूट रोड्रिगो के गोल से रियल मैड्रिड ने 3-2 विन क्लिंच किया है। बट क्या रियल मैड्रिड के लिए विन डिजर्व था? क्या रियल मैड्रिड उतना अच्छा परफॉर्म की इस रिजल्ट के लिए? तो इसके लिए भाई मैं एक छोटी सी, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, ये गेम वॉज अ गेम ऑफ कन्फ्यूजन्स, ये गेम वॉज अ गेम ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा। क्यों ये भी बताता हूँ। रियल मैड्रिड ने फर्स्ट गोल स्कोर किया बेंजेमा से, है ना? फर्स्ट गोल हाकिमी मिस्टेक था। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे फालान मेंडी ने फाउल किया, बट यार इवन दो अगर शायद वो फाउल हो शायद ना हो, उस बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इवन इफ इट वॉज नॉट अ फाउल, वो ऑलरेडी एक पुअर पास था। ठीक है, अदर देन दैट, इन इमेजेस से तुमको समझ में आ जाएगा कि बोथ रियल मैड्रिड एज वेल एज इंटर मिलान बहुत हाई प्रेसिंग टीम्स है। ठीक है, बहुत हाई प्रेस पे खेल रही थी पूरी गेम, एंड हाई प्रेस के टाइम पर अगर तुम हाई लाइन मेंटेन करते हो, क्योंकि वो तुमको करना पड़ेगा वरना तुम मिडफील्ड में गैप्स छोड़ोगे, और तब अगर तुम्हारा डिफेंस मिस्टेक्स करता है तो भाई तुम कंसीड करोगे। एंड ये चीज़ तुम देख सकते हो रियल मैड्रिड के फर्स्ट गोल में। यही उसके बाद बात करो, यही सेम चीज़ तुम देख सकते हो जो रियल मैड्रिड ने सेकेंड गोल कंसीड किया अगेंस्ट इंटर, जिसमें सर्जियो रामोस आउट ऑफ पोजिशन हो गया था। ठीक है, एंड लातुरो मार्टिनेज को बहुत टाइम मिला, उसने आराम से एक फ्लिक किया जो सेकेंड पोस्ट पे रिसीव करके पेरिसिच ने फिनिश किया। उस पोजीशन में अगर सर्जियो रामोस रहा होता अपनी पोजीशन पे, अपने प्लेस पे, तो सर्जियो रामोस के लिए वो एक ईजी क्लियरेंस रहता, बट ऑब्वियसली वॉज आउट ऑफ पोजिशन एंड सेकेंड गोल कंसीड किया रियल मैड्रिड ने। बट इन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ ये है कि भाई सर्जियो रामोस ने अपना 100th गोल स्कोर किया रियल मैड्रिड के लिए, एंड ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सर्जियो रामोस एक सेंटर बैक है, ये चीज़ तुमको पता ही है भाई। 100 गोल्स फॉर अ सेंटर बैक इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड मैं भाई सर्जियो रामोस और हर एक रियल मैड्रिड फैन को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई सर्जियो रामोस के बिना रियल मैड्रिड डिफेंसिवली बहुत अनस्टेबल लगती है, बट क्योंकि आज के मैच में इवन दो मिस्टेक्स हुई। ठीक है, जो फर्स्ट गोल रियल मैड्रिड ने कंसीड किया उसको आप स्ट्रेट मिस्टेक, स्ट्रेट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज इट वॉज अ गुड फ्लिक, इट वॉज अ गुड प्ले, बट तुम बोल सकते हो कि इट वॉज अ लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम रियल मैड्रिड। मतलब भाई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रियल मैड्रिड लॉस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन, उनको एक अच्छा पास हुआ, एक अच्छा वहाँ से ले ऑफ हुआ लातुरो मार्टिनेज के लिए, लातुरो मार्टिनेज फिनिश किया, तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ यू नो स्प्लिट मोमेंट के लिए उनका कॉन्फिडेंस गया एंड देवर पनिश्ड। रियल मैड्रिड का सेकेंड गोल को भी एक बार डिस्कस करते हैं, जब स्कोर 2-0 किया रियल मैड्रिड ने। भाई एज एन इंटर मिलान, एक तुम एक स्क्वाड हो एज एन इंटर मिलान और तुम रियल मैड्रिड के खिलाफ खेल रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो तुम सबसे ज़्यादा ध्यान किस बंदे पे दोगे, किस बंदे को तुम मार्क करना चाहोगे फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट, स्पेशली सेट पीसेज एंड कॉर्नर्स में। उसी बंदे को इंटर मिलान ने फ्री छोड़ दिया। भाई तुम सर्जियो रामोस को बॉक्स के अंदर फ्री कैसे छोड़ सकते हो और फिर एक्सपेक्ट करो कि गोल ना स्कोर करे वो? ऑब्वियसली गोल स्कोर करेगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम हेडर्स। ये एक फैक्ट है, ये एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है, और तुम उस बंदे को बॉक्स के अंदर फ्री छोड़ दोगे तो क्या हो? उसका इंटर ने सहा। अब भाई देखो फर्स्ट हाफ तो जो था सो था, इंटर 2-1 की गेम पे गए, रियल मैड्रिड 2-1 लीड लेके फर्स्ट हाफ में गई, सेकेंड हाफ में इंटर बहुत ज़्यादा यू नो फोकस के साथ आई, एंड उनका फोकस ऑब्वियसली
बहुत उनको रीप भी मिला, उनको रिवॉर्ड भी मिला उस फोकस का एंड उस प्रेशर का, जो उनने 2-2 स्कोर किया विथ पेरिसिच, जो इवन मार्टिन की हमने अभी बात की रैमोस की आउट ऑफ पोजिशनिंग होने की। बट उसके बाद रियल मैड्रिड, उसके बाद गेम ना बहुत हद तक बैलेंस में लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि इंटर मिलान बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है या रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है या कोई भी पर्टिकुलर टीम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। बट सिर्फ एक चीज़ लगी उस जगह पर कि भाई ये गेम अब पूरे स्विंग्स में आ गया है। बोथ ऑफ द मैनेजर्स मैच के बाद एक ही चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हुआ हमारे साथ, क्योंकि भाई 3-2 एक एक्सेलेंट गेम लग रहा है तुमको, बट ऐसा कोई स्पेशल अटैकिंग किसी साइड से नहीं दिखा जिसके लिए तुम बोल सकते हो कि ये एक 3-2 स्कोरलाइन डिजर्व थी। मतलब चाहे फर्स्ट गोल रियल मैड्रिड का हो, चाहे फर्स्ट गोल इंटर मिलान का हो, चाहे सेकंड गोल रियल मैड्रिड का हो, चाहे सेकंड गोल इंटर मिलान का हो, देयर वाज नथिंग स्पेशल। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई तुम एक जायंट्स का गेम देख रहे हो। फर्स्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड मिस्टेक, सेकेंड गोल फॉर रियल मैड्रिड मिस्टेक, फर्स्ट गोल फॉर इंटर मिलान कॉन्सेंट्रेशन का लॉस, सेकेंड गोल रैमोस ऑफ पोजिशन, जो थर्ड गोल था रियल मैड्रिड का जो रोड्रिगो ने स्कोर किया, उसको तुम बोल सकते हो कि इट वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड गोल, वेरी गुड फिनिश फ्रॉम रोड्रिगो। बिकॉज देखो विनिशियस मुझे जहाँ तक लगा वो बॉल को ले ऑफ करना चाहता था ऑन द पाथ फॉर बेंजिमा टू फिनिश, बट एक्चुअली वो पास थोड़ा सा पीछे रह गया, जो रोड्रिगो ने रिसीव करके एक बहुत बहुत अच्छा फिनिश किया, हेड बॉडी ओवर द बॉल, बॉल को आगे लिया फर्स्ट टच, उसने प्रॉपर लेसेस अपने मूव के बॉल के थ्रू एंड शॉट को पूरा कम्प्लीटली प्रॉपर एंगल में ऊपर डाला। एंड हैंडानोविच के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये तुम सब भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे सबके बाद इस गेम से हमको क्या समझ में आता है फॉर रियल मैड्रिड, क्या समझ में आता है फॉर इंटर मिलान? इस गेम से हमको ये समझ में आता है कि इवन दो दोनों टीम बहुत हाई प्रेसिंग थी, दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, दोनों टीम बहुत गेम बना रही थी, दोनों टीम चांसेस क्रिएट कर रही थी, बिकॉज चांसेस की कोई कमी नहीं थी इस गेम में। इवन फॉर गेम के बहुत स्टार्टिंग में दोनों कीपर ने बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स निकाले, हैंडानोविच ने भी एंड थिबो कोर्तुआ ने भी, एंड दोनों सेव्स होल गेम को शेप किया किस वजह से वो फिनिश हुआ या किस तरीके से वो फिनिश हुआ। तो चांसेस की कोई कमी नहीं थी, बट जिस चीज़ की कमी थी इस गेम में, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन एंड वो स्प्लिट मोमेंट्स जहाँ पर टीम्स कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी। येस आई नो हम सब ह्यूमंस हैं, हर ह्यूमन से गलती हो सकती है, बट एज अ टीम अगर तुम चैम्पियंस लीग जीतना चाहते हो, जो हर सीजन रियल मैड्रिड का एम होता है टू विन द चैम्पियंस लीग, तो भाई तुम ऐसे मिस्टेक्स नहीं कर सकते, तुम ऐसे लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते गेम के अंदर। एंड ये लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रियल मैड्रिड को बहुत बहुत ज़्यादा इशूज दे सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एज फॉर इंटर मिलान, वेल कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते इनके बारे में, क्योंकि भाई इंटर मिलान मेरे हिसाब से तो नहीं, दे आर नॉट एक्चुअली कंटेंडर्स फॉर द चैम्पियंस लीग, बट ऑब्वियसली दे वुड वॉन्ट टू गो एज फार एज दे कैन, जितना ज़्यादा दूर जा सके वो जाना चाहेंगे। सो या आई थिंक ये गेम काफ़ी अच्छा था। इससे टेक अवे हमको क्या मिलता है रियल मैड्रिड के लिए, कि भाई रियल मैड्रिड को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, ठीक है। अटैकिंग वाइज वेल आई वोंट सी अलॉट, काफ़ी पिछले काफ़ी वीडियोस में देखा है, हमने बात की उस बारे में, अगर तुमने नहीं देखा है पिछले वीडियोस जाके देखो। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, चाहे अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अभी 50 हुए हैं, 100 तक पहुँचना है, 100 पहुँचने के बाद तुम सबके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रहेगा। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।